हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। 4.1 एक्सरसाइज में हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आज हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे और जिसमें आपको सॉल्व करना है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, बेसिक इसका जो आपको याद रखना है। कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशंस a system of homogeneous linear equations a11x1 a12x2 plus up to so on a1n xn, x1 x2 up to so on xn, these are our unknowns, ठीक है? क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है देन कॉन्स्टेंट यहाँ पे जीरो रहेगा। सेकंड रो यानी कि सेकंड इक्वेशन a21x1 a22x2 प्लस अप टू सो ऑन a2n xn इक्वल टू जीरो। हमने यहाँ पे n अननोन्स एंड m इक्वेशंस लिए हैं, तो mth इक्वेशन क्या आ जाएगी, am1x1 प्लस am2x2 प्लस अप टू सो ऑन amn xn इक्वल टू जीरो। हेयर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर m1 2 3 अप टू सो ऑन m तक, यानी कि इक्वेशन हमारे पास m है और इसमें जो अननोन्स हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn वो हमारे पास n है। नाउ इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आते हैं। It can be written as written in matrix form. कैसे लिखेंगे हम? Coefficients की matrix बनाते हैं a11 a12 up to so on a1n, जो कॉन्स्टेंट्स हैं x1 x2 xn के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड इक्वेशन से हम सेकेंड रो यहाँ पे बनाएंगे a22 अप टू सो ऑन a2n। mth रो am1 am2 अप टू सो ऑन amn। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ क्रॉस m ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है? इन टू मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn। These are our unknowns and equal to matrix 0 0, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके, नॉन होमोजेनियस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स लेते हैं, कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है अदर देन जीरो, तो हम वहाँ से एग्यूमेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे, वहाँ से रैंक फाइंड आउट करते थे, हम सॉल्यूशन निकालते थे। यहाँ पे हमें रैंक तो निकालना है बट मैट्रिक्स ए पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर अब हमें इसका सॉल्यूशन चेक करना है तो सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या क्या आएंगी, कैसे कैसे सॉल्व करोगे इसको। हेयर एन इज द नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स का क्या मतलब होता है, जो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे x1 x2 xn है, अगर यहाँ पे x y z w t जो भी होता वो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, तो उसको हम n से डिनोट करेंगे। ओके, देन फर्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। फर्स्ट वी फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कौन सी है यहाँ पे, इसको हमने ये फॉर्म बना ली कि ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और मैट्रिक्स फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो ए एक्स इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स हमारी ये हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारी ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सेपरेट नहीं लिख रही हूँ, तो ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। सॉल्यूशन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखने, देखिए हम ए का रैंक फाइंड आउट करेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे, एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन आ जाता है। एन इज द नंबर ऑफ अननोन्स विच आर x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ठीक है? अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन आ जाता है, एन इज द नंबर ऑफ
unknowns, then system of equation these equations ठीक है, इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, हैज ट्रायवल सॉल्यूशन। और ट्रायवल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सारे अननोन्स की वैल्यू जीरो आ जाती है। ओके, दैट इज एक्स वन एक्स टू अप टू सॉन एक्स एन, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। कब आ जाएगी, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन आ जाता है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा, यानी इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा, वो ट्रायवल सॉल्यूशन होगा। और ट्रायवल सॉल्यूशन मतलब सारे जो अननोन्स हैं उनकी जीरो वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ जाता है, ए का रैंक अगर इनके नंबर से कम आ जाता है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एंड आप बोल सकते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, रैंक ऑफ ए अगर लेस देन एन आ जाएगा तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, यहाँ पे अगर मैं एम को इक्वल टू एन ले लेते हूँ, दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है हमारी ए मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए। ओके, हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये एम क्रॉस एन की है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन आ जाता है। देखिए हमने कब लिया, इफ एम इक्वल टू एन एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन आ जाता है। ओके, देन फॉर ट्राइवल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखनी है डिटर्मिनेंट की, बिकॉज डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स स्क्वायर का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एम इक्वल टू एन की कंडीशन अप्लाई की है, क्योंकि हमने ट्राइवल सॉल्यूशंस को डिटर्मिनेंट से अटैच कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने रैंक के बेस पे ही बताया था कि इसके ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एम की वैल्यू एन के इक्वल आ गई, दैट मीन्स इज अ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और डिटर्मिनेंट का इसका अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, देन इसका ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। एम इक्वल टू एन है, एम इक्वल टू एन मीन्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे तो हमने ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए बता दिया, फॉर नॉन ट्राइवल के लिए क्या आ जाएगा, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास, रैंक ऑफ ए लेस देन एन होना चाहिए, ठीक है, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो कई क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो आप इसका बताइए कि इसका ट्राइवल सॉल्यूशन है या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो हम डायरेक्ट बता देंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, देन हम इसको बोल सकते हैं कि फॉर ट्राइवल सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन रहेगा नॉन ट्राइवल। चलिए एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू जीरो। दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। चार इक्वेशंस आपके पास गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है, एंड दीज आर द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो
जो इक्वेशन है, फर्स्ट रो बनाइए यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड 3 हैं, 1 माइनस 1 एंड 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो इज माइनस 3 1 एंड माइनस 4, थर्ड रो से थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो आ जाएगी माइनस 9 एंड यहाँ से 4 माइनस 2 5। मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एक्स, एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म में आ रहा है ये? ए एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसके मैट्रिक्स फॉर्म बना लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स, दिस इज द ए मैट्रिक्स, इसका हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको आप अकेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और अकेलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम या तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन वी रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इन अकेलन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ ओनली इस मैट्रिक्स ए पे। देन आर वन, यहाँ पे देखिए हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है, हमें इसके जो नए नंबर हैं फर्स्ट कॉलम के सारे 0 बनाने हैं। देन आर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आर टू में यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो आर टू प्लस 3R1, समझ गए। फर्स्ट रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज यहाँ 0 बनेगी तो कैसे बनेगी, आर थ्री माइनस 7R1, एंड यहाँ पे 0 बनाएंगे तो आर फोर माइनस 4R1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट, फर्स्ट रो इज एज इट इज 1, नेक्स्ट 0, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे और हमने इसमें ऐड करना है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे माइनस 1, 7 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम मतलब ऐड कर रहे हैं बट ये साइन माइनस का है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और इस थर्ड में से माइनस कर देना है, दिस इज 0 माइनस 3 प्लस 7, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस 7। ठीक है, यहाँ से माइनस 9 और इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया 16। देन यहाँ पे 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 4, ये आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, मैट्रिक्स ए आ जाती है हमारे पास। नाउ अब हमें यहाँ पे 0, इन रोज़ को 0 बनाना है, तो यहाँ पे यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं, तो जितनी भी हम 0 रो 0 बना सकते हैं उतनी बनाइए यहाँ से, आर फोर प्लस सेकेंड और फोर्थ रो को हम ऐड कर लेते हैं आर सेकेंड, देन ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट 1 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 1, एंड थर्ड इज माइनस 16, और थर्ड पे भी अप्लाई कर दीजिए, थर्ड पे कर लेते हैं हम 1/4 आर फोर 3, हम थर्ड रो को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। सेकेंड रो है, इसमें माइनस 2 को रिमूव करके यहाँ से 1 बनाइए, तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 2 माइनस 1/2 रो 2, देन मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट 1 माइनस 1 1 0 माइनस हाफ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा हाफ, थर्ड रो इज 0 1 माइनस 4 एंड फोर्थ रो इज कम्प्लीट 0। ठीक है, अब अकेलन फॉर्म जैसे ही बनाते हो आप, ये हमारे पास फिर से 1 हो गया है, इसके अपॉन वाली यानी ये नंबर भी हमारा 0 होना चाहिए, देन हम क्या करेंगे यहाँ से दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो आर थ्री माइनस आर टू, ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट 1 माइनस 1 1
ये हो जाएगा वन हाफ, आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, जैसे ही माइनस करोगे ये ज़ीरो हो जाएगा, एंड माइनस फोर माइनस हाफ, इसको माइनस कर रहे हो तो माइनस फोर माइनस हाफ ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे कंप्लीट एकेलन फॉर्म बन गई है, इसके बाद हम इसको जीरो नहीं बना सकते, तो यहाँ से आ जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज विच इज इक्वल टू थ्री, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज अ थ्री, एंड नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑल्सो थ्री इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देन कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, एन इज द नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज ट्राइवल, ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल सारे ज़ीरो आ जाते हैं, कब आते हैं जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू आ जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल। इक्वेशंस गिवन है आपके पास थ्री इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना है हमको, तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में, फोर फाइव सिक्स कोफिशिएंट लेके चलेंगे, सेकेंड इक्वेशन फाइव सिक्स सेवन, एंड थर्ड इज सेवन एट नाइन इन टू एक्स वाई जेड इज एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ ए मैट्रिक्स यहाँ पे, दिस इज द मैट्रिक्स ए, एंड वी फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एकेलन फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लीडिंग एंट्री वन चाहिए, देखिए ऑपरेशन यहाँ पे कैसे लगाते हैं हम, आर टू माइनस आर वन, यानी मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ तो मुझे यहाँ वन मिल जाएगा, और इंटरचेंज करके लीडिंग एंट्री बना सकते हैं हम वन, देन आर थ्री माइनस आर टू अप्लाई कीजिए, देन ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव माइनस फोर इज अ वन वन एंड वन, माइनस करेंगे सेकेंड रो से, एंड थर्ड इज अ सेवन माइनस फाइव इज टू टू, एंड दिस इज ऑल्सो टू। नेक्स्ट ऑपरेशन इज आर थ्री, अप्लाई करते हैं हम यहाँ से आर थ्री पे, आर थ्री माइनस टू आर टू, टू से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट आ जाती है। ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं लिख यहाँ पे रही हूँ, इसके बाद ये स्टेप है फोर फाइव सिक्स, दिस इज़ वन वन एंड ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। नाउ हमें लीडिंग एंट्री वन चाहिए, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं ऑपरेशन आर टू इंटरचेंज बाय आर वन, तो ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट वन 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 फोर फाइव सिक्स एंड ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि हमें अकेलन फॉर्म बना रहे हैं तो ये नंबर भी हमारा ज़ीरो होना चाहिए। ओके, देन अप्लाई करेंगे हम आर टू माइनस फोर आर वन, ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट, ये हमारे पास वन 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 फर्स्ट, एंड अब क्या कर रहे हैं यहाँ से, इसको फोर से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, ज़ीरो फाइव माइनस फोर इज वन, एंड सिक्स माइनस फोर इज टू, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एकेलन फॉर्म। नाउ यहाँ पे रैंक देखिए, यहाँ से रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, देर आर टू नॉन जीरो रोज, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स मीन्स एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ अननोन्स विच इज इक्वल टू थ्री, देन रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री। ठीक है, या फिर सीधा आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हो, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री आ जाता है दैट मीन्स सोल्यूशन कैसा होता है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज नॉन ट्राइवल एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ से,
देयर आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ेंगे हम यहाँ से. आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स कितने लेने हैं, यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनस कर लेते हैं एन में से, एन माइनस रैंक ऑफ ए. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इसमें कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हम यूज़ करेंगे. तो रैंक हमारे पास थ्री, एन की वैल्यू 3 और रैंक इज अ 2. देर आर वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट. ओके, नाउ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. दिस इज वापस ए मैट्रिक्स पे आ जाइए जहाँ से हमने एकेलन फॉर्म बनाएंगे. फर्स्ट रो को कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को वाई से, एंड इसको जेड से इक्वल टू जीरो लेके चल रहा है. देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन, एक्स का मल्टीपल यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, एंड दो इक्वेशन आएंगी. थर्ड रो तो हमारी जीरो है. तो हमने यहाँ से कहा था कि हम एक सोल्यूशन, एक जो सोल्यूशन है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे. तो यहाँ से हम लेट कर लेते, लेट इज अ जेड इज अज्यूम करेंगे एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, लेट जेड इक्वल टू के. देन वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू जेड माइनस टू के, एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड फ्रॉम दिस इक्वेशन. देन वाई की वैल्यू माइनस टू के प्लस टू के हो जाएगी, और जेड इज अ के, एक्स इज ऑल्सो के. देन जेड के वाई की वैल्यू माइनस टू के एंड एक्स इक्वल टू के. सिक्स्थ, सेकंड और सिक्स्थ के बीच में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सारे नहीं करवाए, बिकॉज सारे सेम सेम से मेथड से हैं, ठीक है, वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा. ये अलग से क्वेश्चन है, इसको देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन. ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि के की वैल्यू निकालिए कि हमारे पास सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल गिवन है. सबसे पहले हम इसको फॉर्म में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू जीरो. देन ए मैट्रिक्स यहाँ से 3k माइनस एट, 3 and 3, 3k माइनस एट, एंड दिस इज द मैट्रिक्स ए. एंड एक्स इज एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू जीरो. नाउ हमें गिवन है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज़ अ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन. नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो, ये मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंट है. ऑनली दिस मैट्रिक्स, दिस इज अ 3x3 मीन्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन has non-trivial solution if determinant of A equal to 0. तो determinant of A equal to 0 अगर आता है तो non-trivial solution exist करता है. देन यहाँ पर हमें given है तो हम इसके condition को apply कर सकते हैं, means A का determinant equal to 0 put करेंगे और हम K की value find out कर लेंगे. देन 3K minus 8, 3 and 3 डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, 3k-8, दिस इज इक्वल टू जीरो लेके चलना है, ठीक है. अब इसको हमें या तो एक्सपेंड कर सकते हो या आप इसको थोड़ा सा स्मॉल बना सकते हो. ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम r1 प्लस r2 प्लस r3 सबको आप ऐड कर दीजिए फर्स्ट रो में. देन यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3k 3 and 3 6 और -8 -2 ये आ जाएगा 3k-2. एंड सेम टू सेम है आपके पास तो सारे के सारे ऐसे ही आ जाएंगे 3k-2 3k-2. सेकेंड रो 3 3k-8 and 3 एंड लास्ट रो इज ऑल्सो एज इट इज, दिस इक्वल टू 0. अब आपको इसको सॉल्व करना है. 3k-2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3k-8 into 3 3k-8. नाउ ये आप प्लस टू क्लास में कर भी चुके हैं, हम दो प्लेस पे जीरो बना लेते हैं और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे. देन 3k-2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ से, column 2 - column 1 एंड column 3 - column 2. देन फर्स्ट कॉलम इज एज इट इज़ 0, इसमें से माइनस करोगे
3 के माइनस 11, ओके, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 0, और इसमें से ये आप माइनस कर रहे हो, माइनस 3 के माइनस 11 प्लस 11, एंड यहाँ से 3 के माइनस 11 इक्वल टू 0। दोनों कॉलम से 3 के माइनस 11 कॉमन आ रहा है, एंड 3 के माइनस 2 ऑलरेडी हमारे पास है, और 3 के माइनस 11 एक यहाँ से फैक्टर, एक यहाँ से लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 0 0 3 1, यहाँ से माइनस 1 रिमेनिंग फैक्टर, 3 0 1। ओके, अब इसको एक्सपेंड करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1, देन दिस ये जो आपके पास दो फैक्टर इक्वल टू 0, आइदर 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3 के माइनस 11 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 is 2/3 या फिर सेकंड 11/3, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास k की, 2/3 एंड 11/3, ठीक है। अगर k नॉट इक्वल टू 2/3 और 11/3 अगर लेके चलते हैं, देन दिस इज अ ट्राइवल सॉल्यूशन, इट इज़ अ ट्राइवल सॉल्यूशन, और आप इन दोनों वैल्यूज में भी डिस्कस कर सकते हो। अगर हम k की वैल्यू फर्स्ट पुट कर लेते हैं 2/3, k की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे ए मैट्रिक्स में, और फिर इसका पूरा सोल्यूशन निकालेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में निकाल रहे हैं, मीन्स ए का रैंक फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स से अगर रैंक कम आता है तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होता है। ओके, सेम टू सेम आप के की वैल्यू 11/3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन इज 6, मीन्स लैम्डा की रियल वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन नॉन जीरो होगा और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, एक्स और एक्स यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाइए, तो 1 माइनस लैम्डा एक्स कॉमन आ जाएगा, प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस आर द होमोजीनियस इक्वेशंस, 3x, y और y को हम इकट्ठा करेंगे, 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू z इक्वल टू 0, दीज आर आवर 3 लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ax इक्वल टू 0 यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा, एक्स इज एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, तो ए मैट्रिक्स में सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए कि हमें गिवन है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 ऑर्डर की है, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखिए इसको चाहे आप नॉन ट्राइवल लिख लीजिए या नॉन जीरो लिख लीजिए, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारा ट्राइवल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और नॉन ट्राइवल यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, तो हम ये कंडीशन यहाँ से अप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 2 3 1 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर लेते हैं तीनों रोज को, आर 1 1 प्लस 2 प्लस 3, देन दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे इसको, हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 माइनस लैम्डा, दिस इज ऑल्सो 6 माइनस लैम्डा, और सेकेंड रो 1 माइनस लैम्डा एंड 2, एंड थर्ड रो 2 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा कॉम 6 माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए, 1 1 3 1 माइनस लैम्डा 2। अब हमें इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं,
ज़ीरो बनाना है यहाँ से, ठीक है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट यहाँ से ये छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं हम, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, 1, 3, 2 एज इट इज़, 0, 1 माइनस लैम्डा माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा, और 1 माइनस 3 इज माइनस 2 एंड दिस इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, नेक्स्ट इज 0, और यहाँ से 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड ये आ जाएगा यहाँ से माइनस लैम्डा माइनस 1, ठीक है। हमने अच्छा इसमें से ये माइनस करना है, एक सेकेंड, 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 करेंगे हम, ठीक है। तो माइनस लैम्डा माइनस 2 ये आ जाए इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 6 माइनस लैम्डा इंटू 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस कॉमन ले लीजिए इसका, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके मतलब सेम फैक्टर चल रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर एंड माइनस और माइनस प्लस प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ से 6 आ जाएगी, और इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एंड 4 एंड 1 इज 5 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac दिस, और अपॉन होता है 2a। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 16 बाय 2, माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाय 2। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो दो वैल्यू हमारी इमेजिनरी आ रही है, ओके। हमें क्या बताना था कि लैम्डा की रियल वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन नॉन जीरो होगा, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। तो यहाँ से देखेंगे तो लैम्डा की रियल वैल्यू ओनली 6 आ रही है, दैट मीन्स दिस इज रियल वैल्यू एंड दिस टू वैल्यूज आर द इमेजिनरी वैल्यू। तो हमें यही बताना था कि लैम्डा इक्वल टू 6 पे ये नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है 123 इक्वेशंस, हैज अ ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, हैज अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल के लिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया उनमें हमने अप्लाई किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। एक मेथड तो आप इससे कर सकते हो, के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड मेथड है कि आप ए मैट्रिक्स बना के उसका रैंक फाइंड आउट कीजिए, देन ए मैट्रिक्स डायरेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ से ए एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म में आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगी 1k 3 4 3k एंड थर्ड रो इज 2 1 2 इक्वल टू, अच्छा ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाती है। अब हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जो के फर्स्ट रो में है उसको आप थर्ड में शिफ्ट कर लीजिए, R3 इंटरचेंज बाय R1, देन ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट 2 1 2 4 3 k एंड 1 k 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम अकेलन फॉर्म बनाते हैं इसकी, अकेलन फॉर्म के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0, R3 माइनस इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 1 बाय 2 R1 एंड R2 माइनस 2 R1, देन ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट 2 1 2 4 माइनस 4 इज 0, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड K माइनस 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया और 1 में से माइनस करेंगे 0, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा k माइनस हाफ, और इसको हम तो ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे ये जो लीडिंग एंट्री 1 है इसको हम लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास लीडिंग एंट्री
आ जाएगी। देन अब अकेलन फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, और हमें इस नंबर को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। वन के अपॉन में ये जो आ रही है, ये इस नंबर को हम ज़ीरो बना सकते हैं, तो इसको ज़ीरो बनाइए। तो इसको ज़ीरो कैसे बनाओगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसी में से माइनस करेंगे, ठीक है। मीन्स आर टू, आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, आर थ्री माइनस यही नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के माइनस हाफ आर टू, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी यहाँ से, फर्स्ट रो इज एज इट इज, टू वन टू ज़ीरो वन के माइनस फोर, यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। यहाँ से मैंने इसको के माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया, सेम क्वांटिटी माइनस करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, के माइनस फोर और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने के माइनस हाफ से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस फोर के माइनस के बाय टू एंड प्लस, मल्टीप्लाई करोगे तो टू हो जाएगा। देन के स्क्वायर माइनस नाइन के बाय टू प्लस आर थ्री, आर थ्री माइनस ऑफ दिस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया के माइनस सेकेंड रो को के माइनस हाफ से और टू में से माइनस कर देना, यानी जब हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे देन टू माइनस ये माइनस ये प्लस एंड दिस इज माइनस क्वान्टिटी, टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास नाइन के बाय टू माइनस के स्क्वायर। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, मीन्स नंबर ऑफ एक्स वाई जेड आर अननोन्स, थ्री, रैंक ऑफ ए लेस देन थ्री आना चाहिए, और मैट्रिक्स इज इटसेल्फ इज ऑर्डर ऑफ थ्री क्रॉस थ्री, देन थर्ड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकम्स ज़ीरो रो, और ज़ीरो रो कब बनेगी, जब इसका ये थर्ड नंबर हमारा ज़ीरो आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट नाइन के बाय टू माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, के कॉमन ले लीजिए, नाइन बाय टू माइनस के इक्वल टू ज़ीरो, आइदर के इक्वल टू ज़ीरो और के इक्वल टू माइनस प्लस नाइन बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से निकालिए कि नॉन ट्रेवल दे रखा है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ओके, या फिर आप रैंक के मेथड से भी यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.2। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।